हेलो फ्रेंड्स, लखनऊ ट्विंस मॉम्स लाइफ के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ एक रेसिपी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं मशरूम की सब्जी आपको बनाना सिखाऊंगी, कढ़ाई मशरूम की, कि कढ़ाई मशरूम रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में कैसे बना सकते हैं और विद क्रीमी ग्रेवी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए झटपट से बनाते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो आपको ये रेसिपी समझ नहीं आएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मशरूम को 2 पीसेस में ऐसे कट कर लेना है। उसको अच्छे से धुल कर मैंने रख लिया था। अब इसको जो बड़े होंगे उसको 4 टुकड़ों में और जो छोटे होंगे उनको 2 टुकड़ों में ऐसे कट कर लेना है और फिर इसको बॉईल कर लेना है। अगर आप पहले से इसको बॉईल कर लेंगे तो वो मसाले में कम टाइम में ही पक जाएगा और अगर ऐसे डालेंगे तो थोड़ा वो ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको बॉईल कर लेनी चाहिए और ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना, बस थोड़ी देर, 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। मशरूम हमने कट करके रखे थे उसको फिर बॉईल कर लेंगे और बॉईल ज़्यादा देर नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में ही वो अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक कढ़ाई में थोड़ा तेल लेना है और उसमें 2 छोटी इलायची ऐड करनी है। इसमें और कोई खड़े मसाले हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 इलायची और प्याज, जो 3 मीडियम साइज़ का प्याज है उसको पीस लिया था उसका पेस्ट ऐड करेंगे। जैसे ही प्याज भुन जाएगा तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे। ये प्याज अब भुन गया है तो इसमें हम कटे हुए शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये कढ़ाई मशरूम है तो इसलिए हमें इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहिए तो ऐड करिए, ना तो नहीं ऐड करिए, लेकिन ये कढ़ाई मशरूम में शिमला मिर्च अच्छी लगती है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मैंने सिर्फ 1 शिमला मिर्च ऐड करी है। जब शिमला मिर्च थोड़ा गल जाएगी तब उसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें टमाटर का पेस्ट नहीं डालना है, इसमें टमाटर को कट करके डालना है। तो मैंने, आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, इसमें टेस्ट अलग ही आएगा। जब थोड़ा सा ना टमाटर गल जाए तो आप उसमें ऊपर से नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये चीज़ ऐड कर देंगे। अब मसालों को थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट आप इसको ढक दीजिए जब टमाटर अच्छे से गल जाए। इसमें क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें काजू के 4-5 दाने, 4 मगज, खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज, इसको आपको बराबर क्वांटिटी में ले लेना है और इसको धुल कर पीस लेना है। क्रीमी ग्रेवी में जो टेक्सचर आता है ना वो इसी से मसालों से आता है। इसको पीस कर आप फिर जो ग्रेवी मसाले पक गए थे अब आप उसमें ऐड कर दीजिए। अब इसको थोड़ी देर भूनना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसको डालकर अच्छे से चलाते रहेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे भुनने के लिए। धीरे धीरे उसमें से खुद ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा। उसके बाद क्या करना है कि कसूरी मेथी ऐड करना है। तो जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना उसमें सबसे मेन जो फ्लेवर आता है वो कसूरी मेथी का आता है। तो प्लीज़ कसूरी मेथी आप स्किप मत करिएगा, कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करिएगा, उससे एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। मसाला अब भुनकर रेडी हो गया है। अब उसके बाद उबले हुए मशरूम ऊपर से ऐड कर देंगे और उसे कुछ देर भून लेंगे जब तक कि मसालों का जो भी फ्लेवर है वो मशरूम के अंदर ना चला जाए। उसको कुछ देर तक ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हम ऊपर से उसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम से ही जो उसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर आता है, गाढ़ी होती है। अब ये देख सकते हैं मेरी कढ़ाई मशरूम की सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और हाँ, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, इसे प्लीज़ आप ट्राई करिएगा। और अगर आप बनाएंगे ना तो आपके घर में सबको ये बेहद पसंद आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।